नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबनु। 12मा धोरणनी अंदर पहलू चैप्टर संबंध अने विधेय आपणे भणीए छीए। एनी अंदर स्वाध्याय 1.2 आज आपणे गणवू छे। स्वाध्याय 1.2 नी अंदर खरेखर तो एक एक अने व्याप्त विधेयनी वात छे। तो सौथी पहेला एक एक विधेयनी वात समजी लईए। एक एक विधेय केने कहेवाय? व्याख्या तो आपणे जोई हती, थोडुंक रिविजन करी नाखीए पछी दाखला तरफ आगळ वधीए। एक एक विधेय तो कोईपण एक विधेय एफ है, धारो के ए थी बी नु विधेय है। जो आवुं थाय प्रत्येक x1 x2 आवा गण ए ना कोईपण बे घटको, प्रत्येक शब्द वापरो छे माटे x1 अने x2 बे सरखा न होय, नॉट इक्वल टू x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होय तो बेना प्रतिबिंब एफ ऑफ x1 अने x2 नु प्रतिबिंब थशे एफ ऑफ x2, ए पण जुदा जुदा मळे। आवुं थाय तो एफ एक एक विधेय छे। आ व्याख्या छे। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होय तो बेना प्रतिबिंब पण जुदा जुदा आवे। एक एक विधेयनी वात समजवा माटे आपणे आवी कई रीति, धारो के ए गण छे, व्याख्या ने बधुं आपणे थियरी में जोयुं छे। धारो के आनी अंदर 1 2 3 1 4 9 आ प्रकारना घटको छे। आम विधेय बनावी नाखो। जुओ आ एक एक घटक छे, आमांथी कोई पण बे घटक राखो, आ बे राखो प्रतिबिंब जुदा जुदा, आ बे राखो प्रतिबिंब जुदा जुदा, आ बे राखो 1 અને 3 प्रतिबिंब जुदा जुदा मळे छे। एनुं अर्थघटन के x1 x2 आमांथी लेवाना छे, जुदा जुदा होय एवा। तो एफ ऑफ एक्स1 एटले के एक्स1 नुं प्रतिबिंब अने एफ ऑफ एक्स2 एटले के एक्स2 नुं प्रतिबिंब, आ बंने सरखा नथी तो बेना प्रतिबिंब पण सरखा न थाय। एनुं अर्थघटन एक घटक साथे जोडायेलो छे एटले एक एक विधेय कहेवाय। आ एक एक विधेयनी वात छे। तो दाखलानी अंदर आपणे साबित करवुं होय तो केम करवुं? तो અહીં जो विधान तमने देखाय छे इम्प्लाइज, એટલે આ વિધાન છે। ગાણિતીય તર્કમાં જુઓ ને તો આ p ઇમ્પ્લાઇઝ q છે, ગાણિતીય તર્કમાં જુઓ તો આ p ઇમ્પ્લાઇઝ q છે, આ p વિધાન છે અને પાછળનું q છે। આનું સમાનાર્થી તમે જુઓ, સમાનાર્થ થતો હોય સમાનાર્થી, તો સમાનાર્થી વિધાન શું થાય? આનું हाँ क्यू नु निषेध इम्प्लाइज पी नु निषेध। आवुं थाय। क्यू नु निषेध ना पाडवानी छे तो आने जो आम लखी शकाय, साबित करवामां आम पण कामे लागे। क्यू नु निषेध एटले f1 प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू a माटे आ p छे, आ q छे, क्यू नु निषेध लखवानुं छे। એટલે કે એફ ઓફ x1 એફ ઓફ x2 નિષેધ એટલે ના પાડવાની, નોટ ઇક્વલ ટુ છે તો એનું નિષેધ ઇક્વલ ટુ થશે ઇમ્પ્લાઇઝ, આનું નિષેધ લખવાનું છે। આ p વિધાન છે, આ q વિધાન છે, q નું નિષેધ મેં લખ્યું, p નું નિષેધ લખો। ચાલો સમાનાર્થી એટલે આનો અર્થ થાય એવો જ આનો અર્થ થાય, સમાનાર્થી વિધાન છે તો p નું નિષેધ x1 બરાબર x2। તો દાખલાની અંદર સાબિત કરવા માટે આ કામે લાગે કે બેના પ્રતિબિંબ સરખા હોય ને તો બે ઘટક સરખા જ થાય, બેની વાત એકની એક જ છે, એક ઘટક સાથે જોડાયેલા હોય તો એને એક એક વિધેય કહેવાય। થિયરીમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હતી પણ અહીં પાછું થોડુંક રિવિઝન કરી નાખીએ જેથી કરીને તમને દાખલા સમજવામાં મજા આવે। એક એક વિધેયની વાત એકદમ ક્લિયર છે કે આ શરતનું પાલન થાય તો એક એક વિધેય કહેવાય। એટલે કે પ્રતિબિંબ સરખા લઈ લેવાના અને જો ઘટકો આપણને સરખા મળતા હોય તો એક એક વિધેય થાય। બહુ સહેલી વાત છે। હવે એક એક ક્યારે ન થાય તો એ ક્લિયર ખબર પડે। x1 x2 બિલોંગ્સ ટુ એ માટે x1 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ x2 હોય છતાં બેના પ્રતિબિંબ સરખા મળે તો એક એક નથી। એનું એક ઉદાહરણ લઈ લઈ ચાલો। એક એકની વાત કરી, એક એક નથી એની વાત કરવી છે। આ કાઢ નાખું છું। एक एक नथी एवी मारे बात करवी तो कोईक x1 x2 बिलोंग्स टू ए एवा मळे के जेथी शुं थाय x1 इज नॉट इक्वल टू x2 छे छतां बेना प्रतिबिंब f(x1) f(x2) आ बे सरखा थे तो f एक एक नहीं अने एक एक विधेय न होय एने केवुं कहेवाय अनेक एक विधेय कहेवाय। केवुं कहेवाय अनेक एक। आ रिविजन करीए छीए आगळ आपणे थियरीनी अंदर एक एक अने अनेक एक भण्या छीए ने एनी वात छे। अनेक एक विधेय कहेवाय। आनुं जो आपणे उदाहरण देवुं होय तो हमणां आप्युं ते रीते गण ए अने बी बनावीने तमे काम करी शको। 1 2 3 अने अहींया राखीए आपणे 1 4 અને 9। 1નું प्रतिबिंब 2નું प्रतिबिंब અને 3નું प्रतिबिंब 4 આવી રીતના ધારો કે બને તો વિધેય તો છે જ કારણ કે દરેક પ્રદેશનો ઘટક સંકળાયેલો છે અને એક અને માત્ર એક જ તીર નીકળે છે ક્રમયુક્ત જોડ અનન્ય મળે છે તેથી વિધેય છે પણ એક એક નથી શા માટે કારણ કે 2 અને 3 બે જુદા જુદા છે છતાં 2નું प्रतिबिंब 4 આવે છે 3નું प्रतिबिंब 4 આવે છે આ બે સરખા છે 2નું प्रतिबिंब 4 3નું प्रतिबिंब 4 આ બે સરખા એટલે એક એક નથી અનેક એક છે અનેક ઘટકો एक ज घटक साथे जोड़ायेला छे एटले अनेक एक एवो शब्द वपरी शकाय। तो तमने वधारे वधारे दाखलानी अंदर पूछी शू सके भाई बहु सहेली बात तमने दाखला में एम पूछे के आ विधि एक एक छे क्वेश्चन मार्क आ पूछ्युं एक एक छे क्वेश्चन मार्क तो तमारे कहेवानुं एक एक छे के नथी केवी रीतना कही शकाय। जो प्रतिबिंब बे सरखा लेवाना f(x1) बराबर f(x2) लेवा अने घटक सरखा थाय। हमणां आपणे समानार्थीनी वात करी हती सेम ए रीते तो एक एक छे अने पालन न थाय तो एक एक नथी एवा अथवा तो बे घटको तमे गोती काढो के घटको जुदा जुदा होय छतां प्रतिबिंब सरखा मळता होय तो एक एक नथी एवी रीतनी वात थई शके। अनेक एक विधेय छे आ एक एकनी वात। हजी 1.2 नी अंदर बीजी नानकड़ी वात करी छे व्याप्त विधेयनी। तो व्याप्त विधेयनी व्याख्या आप जाणो छो पाछुं एक वखत रिविजन करी नाखीए के व्याप्त विधेय केने कहेवाय। आ एक एकनी वात आपणे काढी नाखीए छीए। चालो व्याप्त विधेय केने कहेवाय व्याप्त। पछी दाखलामां आगळ वधीए 1.2 ना दाखला बधा ज आपणे गणवा छे। व्याप्त विधेयनी वात छे तो व्याप्त विधेय केने कहेवाय तो f a થી b નું વિધેય તો હોવું જ જોઈએ। a થી b વિધેય છે જો f નો विस्तार गण तथा सहप्रदेश गण समान गणों होय तो f व्याप्त विधेय छे। समान गणों एटले आ विस्तार गण एटले rf f नो विस्तार गण सप्रदेश गण एटले b आ बे सरखा थाय तो व्याप्त विधेय थाय। आ तो बहु सहेली वात छे एटले तमारे शुं करवानुं थाय तमने पूछे के व्याप्त विधेय छे के नहीं तमारे एनो विस्तार गण शोधवानो थाय। विस्तार गण क्यां आपणे शोधता 11मा धोरणनी अंदर विस्तार गण शोधवाना दाखला होता। जो विस्तार गण शोधवानी वात आपणे हजी मगजमां न बेठी होय तो 11मा धोरणना विडियो लेक्चर जोई लेवा। हाँ 11मा धोरणना बधा ज विडियो लेक्चर छे अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स नी अंदर पण आपणे लिंक एनी मोकली दीधी छे तमे एनी अंदरथी इजीली मेळवी शको। विस्तार गण शोधी शकाय। हवे व्याप्त विधेयनुं एक उदाहरण मारे देवुं होय तो आवी रीतना दई शकाय। a अने b जो आपणे अहींया 1 2 3 4 लखीए अहीं 1 4 9 16 25 आवुं लखीए 1નું प्रतिबिंब 2નું प्रतिबिंब 3નું प्रतिबिंब 4નું प्रतिबिंब અત્યારે લખ્યું છે વ્યાપ્ત વિધેય છે નથી શા માટે નથી કારણ કે વિસ્તાર ગણ તમે શોધો rf શોધો rf તો તમને એની અંદર મળે છે 1 4 9 અને 16। જ્યારે સહપ્રદેશ ગણ તમે b લખો છો બે સરખા નથી કારણ કે b ની અંદર 1 4 9 16 25 છે તો વ્યાપ્ત નથી। व्याप्त है एवं बतावुं होय तो विस्तार गण और सहप्रदेश गण बी बे समान थवा जोईए। आ इक्वल टू थवुं जोईए अहींया इक्वल टू आवुं जोईए अने इक्वल टू तो ज आवे के जो अहींया 25 न होय 1 4 9 16 हवे बे सरखा छे अने बे सरखा होय तो व्याप्त विधेय थशे। तो व्याप्त विधेय तो साबित करवानी वात खूब ज सहेली कारण के विस्तार गण शोधवानी वात आपने खबर छे। हजी एक बीजी मेथड पण छे साबिती माटेनी एनी वात करीए। चालो बीजी मेथड कई छे। बीजी मेथड आवी छे के प्रत्येक एटले दरेक y बिलोंग्स टू b सहप्रदेश माटे एक्स बिलोंग्स टू ए एटले के प्रदेश मांथी एवो घटक मळे के जेथी एफ ऑफ एक्स बराबर वाई थाय एटले के एक्सनु प्रतिबिंब वाई मळतुं होय आवुं थाय तो एफ व्याप्त है, व्याप्त विधेय है। तो आ बीजी रीते साबित करवानी वात छे। शुं कहेवा मांगे छे? प्रत्येक प्रत्येक एटले दरेक सहप्रदेशना दरेक घटक माटे आ सहप्रदेशना दरेक घटक माटे प्रदेशमांथी आपणे एवो घटक मळवो जोईए एफ ऑफ एक्स बराबर वाई थाय। जो अत्यार शुं आनो घटक 1 छे, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई आपणे 1 राख्यो तो एना माटे प्रदेशमांथी आपणे 1 एवो मळे छे के जेथी करीने एफ ऑफ 1 बराबर 1 थई शके। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई आपणी वात आवी हती, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, वाई बराबर 1 राख्यो तो प्रदेशमांथी आपणे एक्स मळे छे, एक्स बराबर 1 एवो मळे छे के एफ ऑफ 1 बराबर 1 थाय। वाई बराबर 4 राखो तो 4 माटे प्रदेशमांथी आपणने 2 मळे छे के एफ ऑफ 2 बराबर 4 थाय। 9 माटे प्रदेशमांथी आपणने 3 मळे छे, एफ ऑफ 3 बराबर 9 थाय। आ जुओ 16 माटे प्रदेशमांथी आपणने 4 एवो घटक मळे, 4 एवो मळे छे आपणने के एफ ऑफ 4 बराबर 16 थाय। तो एनुं अर्थघटन के सहप्रदेशना दरेक घटक माटे प्रदेशनो कोई ने कोई घटक आपणने एवो मळे छे के जेथी एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लखी शकाय छे अने तेथी कही शकाय के सहप्रदेशना दरेक घटक ने संगत पूर्व प्रतिबिंब मळे छे अने तेथी कही शकाय के सहप्रदेशना दरेक घटक विस्तारगणनी अंदर आवे छे अने तेथी कही शकाय के व्याप्त विधेय छे। पण એટલું બધું ન લખવાનું હોય, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई थाय तो एफ व्याप्त विधेय छे એવું ક્લિયરલી કહી શકાય, કારણ કે सहप्रदेशना દરેક ઘટકને સંગત પૂર્વ પ્રતિબિંબ મળે છે એવું क्लियर थाय। आ वात उपरथी केटली बधी लॉजिकल बाबत छे पण आपणे तो समजवा माटे ज विडियो लेक्चर जोईए छीए अने समजाई जाए एक वखत पछी दाखला तो रमता रमता गणी शकाय छे, आमां कोई वांधो नथी। हवे तमने विचार एवो आवशे के आपणे व्याप्त विधेय क्यारे नथी, क्यारे व्याप्त विधेय थातुं नथी एवुं मारे साबित करवुं होय, एवुं करवुं होय तो शुं करी शकाय? तो बहु सहेली वात छे। तो तमारे आने संगत कोई घटकने संगत पूर्व प्रतिबिंब न मळतुं होय तो व्याप्त नहीं एवं कही सकते। हाँ, बीजी रीत विस्तारगण और सहप्रदेशगण सरखा न हो, नॉट इक्वल टू। विस्तारगण तो तमे शोधी सकवाना छो, अहीं नॉट इक्वल टू आवे। विस्तारगण और सहप्रदेशगण सरखा नहीं थता तो व्याप्त नहीं। अने बीजी व्याप्त नहीं एनी मेथड आ ज रीते आपणे अत्यारे जे रीत बतावी छे ए ज रीते आपणे करवा मांगता होय तो थई शकशे। चालो बीजी मेथड थी आवुं थई शके। कोईक तो अँ कोईक आव्युं प्रत्येकनी कोईक वाई बिलोंग्स टू बी सहप्रदेशना एवो घटक मळे, सहप्रदेश माटे आ सहप्रदेशना कोई घटक माटेनी वात छे। प्रदेशनो कोईक वाई बिलोंग्स टू बी सहप्रदेश माटे प्रदेशमां एक्स बिलोंग्स टू ए एवो न मळे, एवो मळे नहीं, जो ना पाडी छे मळे नहीं के जेथी एफ ऑफ एक्स बराबर वाई थाय। नथी मळतो भाई, प्रदेशमांथी कोई एवो घटक मळतो नथी, पूर्व प्रतिबिंब नथी मळतुं के एफ ऑफ एक्स बराबर वाई तमे लखी शको अने तेथी कही शकाय के एफ व्याप्त नथी। आ व्याप्त नथी एवुं बताववा माटेनी बीजी मेथड। फर्स्ट मेथड कई? फर्स्ट मेथड कई व्याप्त नथी एवुं बताववा माटेनी पहेली मेथड। हाँ, आर एफ विस्तारगण शोधी ल्यो अने इज नॉट इक्वल टू बी सहप्रदेश जेटलो न थाय तो व्याप्त नथी एवुं कही शकाय, व्याप्त नहीं एवं कही सकते। अने बीजी मेथड हमणां आपणे काम कर्युं तेवुं पाछुं थोड़ुं काम कर नाखीए, बहु तमने मजा आवशे। जो अहीं 25 लखी नाखूँ एटले बी आवो थई गयो, क्लियर खबर पड़े कि एनी अंदर विस्तारगणनी अंदर 14916 आवे छे अने बी नी अंदर 1491625 आवे, सरखा नथी, व्याप्त नथी। 25 लखी नाख्या व्याप्त नहीं। आ नीचेनी वात अहींथी शरू थई। बीजुं मार बतावुं होय तो आ बेयनी वात तो एकनी एक ज छे। आनी अंदर एवुं आपणे कहीए छीए कि आ 25 ई सहप्रदेशनो घटक है, वाई बराबर 25। सहप्रदेश माटे कोई प्रदेशनो एक्स आपणने एवो मळतो नथी, जो क्यां एक्स एवो मळतो नथी, 25 ने संगत पूर्व प्रतिबिंब नहीं मळतुं, 25 माटे प्रदेशनो कोई घटक तैयार नहीं थतो एटले 25 ने संगत एवो एक्स नहीं मळतो के एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लखी शकी एटले के एफ ऑफ एक्स बराबर 25 लखी शकी। हाउ क्लियर बात है कि 25 ने संगत पूर्व प्रतिबिंब ज मळतुं नथी। पूर्व प्रतिबिंब मळे तो तमे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लखी शको ने भाई, नहीं मळतुं। एनुं अर्थघटन 25 कोई साथ जोड़ायेलो नथी एनुं अर्थघटन 25 बाकी रही जाए छे अने बाकी रही जाए छे विस्तार गणनी अंदर न आवे एटले प्रतिबिंबोनो गण एटले के विस्तार गण अने सप्रदेश गण बे जुदो जुदो थशे एटले के व्याप्त नथी। हवे एकदम क्लियर बात छे आपणे व्याप्त क्यारे कहेवाय ने क्यारे न कहेवाय। तो आ अत्यारे थोड़ाक समयथी आपणे जे डिस्कशन करीए छीए आगळ थियरीनी अंदर बधी वात आपी छे पण एक वखत जो आ वातनी आपणे खबर पड़ी जाय तो दाखलानी अंदर साबित करवुं खूब सहेलुं। हवे दाखलानी अंदर आपणे 1.2 मां आगळ वधीए। चालो आ बधुज काढ़ी नाखीए छीए आपणे अने 1.2 नी अंदर दाखला जे आप्या छे ए गणीए। चालो जो पेलो दाखलो छे एफ विधेय आपणे आप्युं छे ई आर स्टार थी आ स्टार। आर स्टार शुं छे तो के आर माइनस जीरो एटले के शून्यतर वास्तविक संख्या आपणे बात करवी तो शून्यतर एटले शून्य सिवायनी वास्तविक संख्यानो गण। एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x एक एक छे व्याप्त छे एवो क्वेश्चन पूछो। चालो पहले त्यां सुधीनी साबिती आपणे आपीए तो सौथी पहला एफ अहींया आवे आर स्टारनी जग्याए आपणे आवुं ज लखी शकाय आर माइनस जीरो शून्यतर संख्यानो गण अने आर स्टार एटले ई छे आर माइनस जीरो शून्यतर संख्यानो गण। एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x है। जो आ रीतना व्याख्या प्रत्येक एक्स तमारे प्रदेश में लेवाना हो आर माइनस जीरो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो व्याख्यायित तो थाय एक एक है तो एक एक माटे सौथी पहला शू करी शकाय अहीं बे घटक लेवा पड़े प्रदेशना प्रत्येक x1 अने x2 आ बे घटक लीधा बिलोंग्स टू आर स्टार। हाँ आर स्टार एटले ई ज छे आर माइनस जीरो शून्यनो शून्यतर वास्तविक संख्याओनो गण। अने हवे आपणे शुं करशुं साबित एक एक करवा माटे एक एक थाय छे कि नहीं एफ ऑफ x1 अने एफ ऑफ x2 प्रतिबिंब बे सरखा लेशुं अने आगळ वधी अने चेक करशुं जो x1 बराबर x2 मळे तो एक एक छे न मळे तो अनेक एक होई शके अने एना माटे बे घटको एवा गोतवा पड़े कि जेना प्रतिबिंब घटको जुदा जुदा छे प्रतिबिंब सरखा मळता होय। एफ ऑफ x1 एटले एफ ऑफ x बराबर 1/x छे तो अहीं 1/x1 आवशे आवे कारण के x1 पण नॉट इक्वल टू जीरो शून्यतर वास्तविक संख्या है। एफ ऑफ x2 एटले 1/x2 बराबर जो आ बे सरखा थाय तो क्लियरली कही शकाय कि x1 बराबर x2 थाय अने जो x1 बराबर x2 थाय प्रतिबिंब सरखा तो घटको पण सरखा मळ्या तेथी कही शकाय कि एफ एक एक विधेय छे। आ क्लियर आटलो दाखलो छे पण आगळनी वात आपणे समज्या होय ने तो आ बहु फटाफट ने मस्त रीते थाय एटले तो आपणे समजता होय भाई एकदम ईजी एक एक छे। अहीं सुधीनी वात क्लियर। व्याप्तनी वात करवी छे मारे व्याप्तनी वात करवी छे विस्तार गण शोधवो पड़े वास्तविक संख्यानो गण विस्तार गण तो हाँ खूब कठिन थाय। पूर्व प्रतिबिंबथी बतावी दो। जो पूर्व प्रतिबिंबनी अंदर आपणे आवुं लखीए प्रत्येक वाय बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो सहप्रदेश माटे। आ सहप्रदेशमांथी आपणे लीधुं तो सहप्रदेश माटे शुं गोतवुं पड़े प्रदेशमांथी एक्स गोतवो पड़े वाई में वाई ने संगत पूर्व प्रतिबिंब मळे छे के नहीं एफ ऑफ एक्स बराबर वाई थाय एवी रीतना तो एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लखी अने हाँ एक्स मेळवो। एफ ऑफ एक्स एटले 1/x बराबर वाई तो एक्स बराबर शुं थशे 1/y अने वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है एटले वाई जो जीरो नहीं लेवाना व्याख्यायित है अने आ पण आर माइनस जीरो में आवे छे अने तेथी कही शकाय कि प्रत्येक वाय बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो सहप्रदेश माटे हाँ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो एक्स बराबर शू मळे छे तो कि 1/y आर माइनस जीरो एवो मळे छे के जेथी शू थाय एफ ऑफ एक्स बराबर वाय थाय थाय छे एना उपरथी तो आ लख्यु छे छतां चेक करवुं होय तो करी शकाय। जो एफ ऑफ एक्स बराबर वाय ज थशे एफ ऑफ एक्सनी जग्याए मूकी द्यो एक्स बराबर आपणने 1/y मळे छे। हवे एफ ऑफ 1/y एटले जो एफ ऑफ एक्स बराबर1/x होय एक्सनुं प्रतिबिंब 1/x होय तो 1/yनुं प्रतिबिंब 1/1 वाय आम आवे अने छेदनो छेद अंशमां एफ ऑफ एक्स बराबर वाय थयुं अने तेथी कही शकाय के एफ व्याप्त छे व्याप्त विधेय छे। तो एटलुं सहेलुं छे। आ एक एक नी वात आवी आपणे पूर्व प्रतिबिंबथी आपणे साबित कर्युं के सप्रदेशना दरेक घटकने संगत पूर्व प्रतिबिंब मळे छे। ओमेय विचारी शकाय जो तमे प्रदेशमां अहींया धारो के 2 राखो तो एनुं प्रतिबिंब 1/2 मळे 3 राखो तो प्रतिबिंब 1/3 कारण के प्रतिबिंब एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x आवे। उल्टू विचारो दीने 1/3 होय तो एने संगत पूर्व प्रतिबिंब 3 मळे 1/2 होय तो एने संगत पूर्व प्रतिबिंब 2 मळे हाँ न्या धारो के टू हो तो संगत पूर्व प्रतिबिंब 1/2 प्रदेश में 1/2 आए कारण के प्रदेश की अंदर बधी ज वास्तविक संख्या है शून्यतर शून्य सीवायनी बधी ज वास्तविक संख्या है एटले विस्तार गण और सप्रदेश गण बे सरखा थशे एम विचारी शकाय पण लखाय आम के आ वाय सप्रदेशना घटक माटे प्रत्येक दरेक घटक माटे एक्स बराबर 1/y एटले के आपने प्रदेश की अंदर एक्स एवं मे जे f(x) बराबर y लखी शकाय व्याप्त विधेय थाय छे। हजी आपणे आगळ व्याप्त नथी एक एक नथी एवा उदाहरणों जोवाना छे एटले एकदम आइडिया आपणो क्लियर थई जशे। अत्यारे आ पेला दाखलानी अंदर एक एक छे अने व्याप्तण छे बेयमां हा आवे छे। हवे नीचे आपणे पाछुं पूछ्युं छे जो fn थी r स्टार केमां फेरफार कर्यो भाई प्रदेश में जो प्रदेश ની અંદર ફેરફાર કર્યો r સ્ટાર હતો એની જગ્યાએ n કરી નાખ્યું અને અહીંયા જો સપ્રદેશ તો સરખો જ છે તો શું આ પરિણામ સત્ય રહેશે એટલે કે એક એક છે એવું અને વ્યાપ્ત છે એવું જ રહે કે બદલાવ થાય એવું તમને પૂછે છે પરિણામ સત્ય રહેશે આ પરિણામમાં એક એક મળે છે વ્યાપ્ત મળે છે જો તમે પ્રદેશ ગણમાં બદલાવ કરી નાખો તો પરિણામ છે એ નહીં રહે કે ચેન્જ થઈ ગઈ આપણે જોઈ કેવો ફેરફાર થાય જુઓ અને શા માટે બદલાવ થાય એની વાત આપણે કરીએ। ચાલો આ એક એકની વાત અહીંથી કાઢી નાખીએ વ્યાપની વાત પણ આપણે કાઢી નાખીએ આપણે સમજી લીધું છે સાથે સાથે તમે નોટ ડાઉન કરતા જાઓ છો એટલે કોઈ વાંધો નથી। ચાલો હવે આની અંદર એફ એન અને આર સ્ટાર એટલે આપણને ખબર છે આર માઇનસ 0 शून्यतर वास्तविक संख्या शून्यतर वास्तविक संख्या की बात है f(x) बराबर 1/x ज राखवाना है प्रत्येक एक्स प्रदेश में लेवाना थशे एन में जो तो एक एक थशे एमां कोई वांधो नहीं कारण के तमारे प्रत्येक x1 x2 केमांथी लेवाना थशे तो के प्रदेश में बिलोंग्स टू एन माटे f(x1) અને f(x2) બેના પ્રતિબિંબ સરખા ઘટકો સરખા જ આવશે કારણ કે 1/x1 આના બરાબર 1/x2 થશે અને તેથી x1 બરાબર x2 મળશે અને તેથી કહી શકાશે f એક એક છે એક ઘટક સાથે જ જોડાયેલો છે એક એક વિધેય છે। વ્યાપ્તમાં શું થશે વ્યાપ્તમાંનો વિસ્તાર ગણ તો શોધી શકાશે જુઓ ખાસ f(x) બરાબર 1/x પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ n प्रदेश गणनी अंदर तब एन राख्या है तो अँ तब f(1) राखशो एन में तो अपन खबर 1 2 3 4 आई किमत आए तो 1/1 बराबर 1 f(2) राखो तो 1/x की जगह 2 f(3) राखो जो 1/3 आम कंटीन्यू आए तो तब r(f) लखी सको r(f) बराबर 1 1/2 1/3 1/4 आवा घटको आए त्यारे सप्रदेश तो r माइनस 0 आवु छे आ बे सरखा नथी सप्रदेश r स्टार छे r माइनस 0 नथी सरखा अने तेथी कही शकाय f व्याप्त विधेय नथी जो ओमां छे एवुं आवतुं तामां नथी एवुं आव्युं। विस्तार गण तो क्लियर मळे 1/4 1/5 सामे शून्यतर वास्तविक संख्या छे शून्य सिवायनी बधी वास्तविक संख्यानो गण कोई दी सरखो न थाय तो क्लियर समझाय छे कोई वांधो नहीं। जो आनी अंदर तो आ रीते एक एक अने व्याप्तनी वात थई शके जो व्याप्त नथी एवुं तमारे बतावुं होय तो विस्तार गण अने सप्रदेश गण बे सरखा नथी एवुं बतावी दो एटले वात पूरी थई जाय। तो आ प्रकारना परिणाममां फेरफार थशे एटले हवे खास तमे जुओ तो आधार केना उपर छे प्रदेश अने सप्रदेश उपर प्रदेश अने सप्रदेश बदलावशो जो सप्रदेश आमां सरखो ज राख्यो तो पण बदलावो प्रदेश अने सप्रदेश बदलावो तो एक एक अने व्याप्त विधेयनी अंदर चेंज थाय एटले प्रदेश अने सप्रदेशने आधारे तमारे नक्की करवू पड़े कि एक एक छे के नहीं व्याप्त छे के नहीं कारण के f(x) बराबर 1/x विधेयनी अंदर प्रतिबिंब तो ई ज राख्युं हतुं छतां जो रिजल्टनी अंदर आपणे फेरफार देखाणो। नेक्स्ट दाखला तरफ आगळ वधीए चालो। एना पछी बीजो दाखलो छे एनी अंदर 1 2 3 त्रण दाखला आ रीतना है जो f(x) बराबर x² बधाईनी अंदर विधेय तो सरखू ज छे हवे f अहीं n थी n आप्युं छे z थी z आप्युं छे r थी r आप्युं छे प्रदेश अने सप्रदेश बदलावे छे अने आ एक एक छे के नहीं व्याप्त छे के नहीं एवी वात मारे करवानी छे। तो सौथी पहेलानी वात करीए तो f(n) थी n अने f(x) बराबर x² आ प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू केमांथी लेवाना छे एन मांथी एक एक थाशे शा माटे थाशे कारण के अहींया तमे लखी शको प्रत्येक एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन माटे एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू आ बे सरखा तो जुओ जी अहींया प्रतिबिंबनी वात लखवानी थाय तो एक्स वन स्क्वेर एक्स टू नो प्रतिबिंब एटले एक्स टू स्क्वेर अहींया आम थशे अने बेय बाजू वर्गमूल लईए अहींया धन धन ज लेवा पड़शे धन ज आवशे शा माटे कारण के बिलोंग्स टू एन एननी अंदर बधी धन किंमतो ज होय 1 2 3 आ प्रकारनी 4 आम खास जोता जाजो अने तेथी कही शकाय के एफ एक एक विधेय तो छे नो प्रॉब्लम। हवे व्याप्तनी वात करवानी थाय चालो व्याप्ति छे आनो विस्तारगण शोधी शकाशे एफ ऑफ वन बराबर वन नो स्क्वेर चेक करिए विस्तारगण और सप्रदेशगण सरखा थता होशे तो व्याप्त कही सकशुं व्याप्त छे एम डायरेक्ट आपणे केम कही सकीए विस्तारगण शोधो वन एफ ऑफ टू बे नो स्क्वेर एटले के चार एफ ऑफ थ्री जो त्रण नो स्क्वेर एटले के नौ एफ ऑफ फोर चार नो स्क्वेर एटले के सोळ आवुं दईवा ज राखशे भाई तो आर एफ लखो विस्तारगण लखो आ एफ नो विस्तारगण शू शू आवे छे एनी अंदर घटको क्या प्रतिबिंब में मळे छे 1 4 1 4 9 16 आवा प्रकारना घटको मळे छे। सहप्रदेश शू छे एन छे सहप्रदेश एन छे आ सहप्रदेश छे भाई बे सरखा छे ना एफ व्याप्त नथी विशेली बात छे एक एक विधेय छे व्याप्त नथी कारण के विस्तारगण और सप्रदेशगण बे सरखा नो आव्या वात पूरी थी गई। आ तमे पूर्व प्रतिबिंब थी बतावी शको घणा प्रश्न थाय के अमारे बीजी रीते करवुं थई शके भाई घणी रीते थई शके आपणे बे रीत एटले तो क्लियर कर दीधी सेकंड मेथड थी तमे आम क्लियरली बतावी शको व्याप्त नथी एवुं बतावुं होय तो शुं कही शकाय अहींया वाय बराबर त्रण बिलोंग्स टू एन आ सप्रदेश माटे सप्रदेश में घटक है त्रण भाई सप्रदेश माटे एक्स बिलोंग्स टू एन प्रदेश में एवो मळतो नथी के जेथी एफ ऑफ एक्स बराबर वाय एटले के एफ ऑफ एक्स बराबर त्रण थाय वाय एटले त्रण एफ ऑफ एक्स बराबर त्रण थाय एवो एक्स प्रदेश में मळतो नथी अने तेथी एफ व्याप्त विधेय नहीं एकनी एक ज बात है भाई त्रण ने संगत पूर्व प्रतिबिंब नहीं मळतुं त्रण एना विस्तारगणनी अंदर नथी आवतुं अने तेथी विस्तारगण अने सप्रदेशगण सरखा नथी अने सरखा नथी एटले व्याप्त नथी। आ रीते पण आगळ वधी शकाय अने आ रीते पण काम करी शकाय जो विस्तारगण शोधता आवडता होय ने तो एना माटे तो बहु सहेली वात छे विस्तारगण शोधी नकाय कोई वांधो नहीं तमने 11मा धोरणनी अंदर विस्तारगण गमे ए प्रकारनुं विधेय आप्युं होय शोधवानी वात आपणे कई रीत छे ने आपणे आवडे छे प्रॉब्लम नथी पण छतां पूर्व प्रतिबिंबथी बतावुं होय तो कांई वांधो तमने सप्रदेशनो एकादो घटक एवो मळी जाय के जेने संगत पूर्व प्रतिबिंब नथी मळतो एटले तमे हा किंग थई जाओ खबर पड़ी जाए कि भाई व्याप्त नथी अने जो दरेक घटकने संगत पूर्व प्रतिबिंब मळतुं होय तो विस्तारगण अने सप्रदेशगण सरखा थशे व्याप्त छे आटली सहेली वात छे। हजी आपणे आ एकनी ज वात करी छे हवे जेड थी जेड राखी तो रिजल्ट तमने खबर प्रदेश और सप्रदेश बदलावो एटले ई नी नथी रहेतुं फेरफार थशे भाई कंईक अने आर थी आर करशो तो पण कंईक फेरफार थशे ई आपणे जोवानुं पेलानी अंदर शुं आवे छे तमे मगजमां राखजो क्लिक राखजो एक एक छे एवुं आवे छे अने व्याप्त नथी एवुं आवे छो एक एक छे अने व्याप्त नथी जेड थी जेड करीए चालो आने दूर करी नाखीए एफ जेड थी जेड अने एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जेड आनी बात करवी छे। हवे आ एक एक छे के नहीं एवी बात छे तो तमे तो कांई खबर नथी एटले तमे तो गणशो तो ई ज रीते तमे सौथी पहेला लेशो प्रत्येक एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड माटे हाँ z मांथी न लेवा पड़े ने भाई प्रतिबिंब तमे सरखा लेशो आपणे जे रीते आगळ गणीए छीए रीते तमे तो कांई खबर ज नथी एवी रीतना तमे आम गणशो अने एफ ऑफ एक्स वन एटले के एक्स वन नो स्क्वेर अने एफ ऑफ एक्स टू एटले के एक्स टू नो स्क्वेर अने पछी अहींथी तमे वर्गमूळ काढशो। जो आगळ वर्गमूळ काढ्या तो तमे अहीं एक्स वन लख्या आ वर्गमूळ काढ्या तो एक्स टू लख्या अने पछी अहीं बराबर लख्यु अने एफ एक एक छे एवुं कही दीधुं। अहीं तमे बंने बाजू वर्गमूळ काढो तो अहीं प्लस ओर माइनस लेवा पड़े कारण के z छे आनी अंदर प्लस ओर माइनस बे आवशे माइनस त्रण माइनस बे माइनस एक जीरो एक बे बधी ज किंमतो आवे छे भाई। अने अहींया तमे जुओ एक्स वन बराबर एक्स टू थाय छे ना एक्स वन एक्स टू सरखा ज नता हता घणी वखत एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू पण लखी शकाय लखो होय तो नो प्रोब्लेम। अने तेथी कही शकाय के आ एक एक नथी। जो आवी रीतनी वात छे खबर पड़ी गई पता चल जाता है जो खबर पड़ी गई भाई केवी रीतना कारण के आ बे सरखा न आव्या भाई पण तमे आवी रीतना लखी न सको दाखलानी अंदर आवुं लखवुं नहीं भाई तो लखवानुं कई रीते अनेक एक विधेय थाय तो लखवानुं जो आ रीते आ काढी नाखीए छीए अने लखवानुं आवी रीतना छे बहु सिम्पल मेथड थी लखी शकाय। तमारे बे घटक एवा गोतवाना केवा गोतवाना एवा एवा एटले केवा के बेय घटक जुदा जुदा होय। जो हूँ गोतू छूँ एक्स वन बराबर हूँ वन राखूँ छूँ अने एक्स टू बराबर हूँ माइनस वन राखूँ छूँ आ बेय घटक में एक्स वन अने एक्स टू में जुदा जुदा गोत्या एटले के वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन बेय जुदा जुदा छतां प्रतिबिंब शोधो एफ ऑफ वन बराबर वननो स्क्वेर एटले वन थाय एफ ऑफ माइनस वन एटले के माइनस वननो स्क्वेर कारण के विधेय आवुं छे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर छे एक्सनी जग्याए माइनस वन राखो तो माइनस वन नो स्क्वेर एटले वन थाय छे। तो जो एक अने माइनस एक बे सरखा नहीं छतां एफ ऑफ वन अने एफ ऑफ माइनस वन बे सरखा आवे छे अने तेथी कही शकाय एफ अनेक एक विधेय छे अनेक एक विधेय छे एटले के एफ एक एक विधेय नथी एक एक विधेय नथी। जो आ क्लियर वात छे लखाय आम वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन अने एफ ऑफ वन बराबर एफ ऑफ माइनस वन तेथी एफ एक एक विधेय नथी कारण आवुं लखाय बे जुदा जुदा घटक माटे प्रतिबिंब सरखा मळे छे। एटले जो आगळ एन थी एन राख्या हता तो एक एक थतुं आम एक एक नथी एवुं आव्युं। प्रदेश अने सप्रदेश बदलावशो एटले परिणाम रिजल्टमां बदलाव तो आवशे। व्याप्तनी वात करवी होय तो व्याप्तनी अंदर अहींया विस्तारगण तो क्लियरली मळी जाय आरएफ बराबर चालो विस्तारगण शोधो। आना विस्तारगणनी अंदर शुं आ z मांथी लेवाना छो हाँ किंमतो मूकवी जोशे ओके मूकी दियो चालो किंमतो मूकी दियो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर है एक्स z मांथी लेवाना छे एटले सौथी पहेला तो जीरो मूको जीरो नो स्क्वेर बराबर जीरो पछी वन राखो वन नो स्क्वेर बराबर वन पछी टू राखो बेनो स्क्वेर एटले चार एवी रीतना आगळ आवशे। एफ ऑफ माइनस वन धारो के राख्युं होय तो माइनस वन नो स्क्वेर बराबर वन एफ ऑफ माइनस टू राख्युं होय तो माइनस टू नो स्क्वेर एटले के चार आम आवशे। आगळ तो तमे आरएफ लखो तो एनी अंदर शुं आवे जरूर जीरो आवशे वन आवशे फोर आवशे पछी हा नाइन आवशे आम कंटीन्यू आवशे। अने सप्रदेश तो z छे अने बेय सरखा नथी अने तेथी कही शकाय के एफ व्याप्त विधेय नथी। ऋण किंमत तो नहीं ज मळे ने वर्ग छे भाई जीरो वन फोर नाइन आवी किंमत आवशे ने z अंदर तो आप जाणो छो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एवी बधी छे। पूर्व प्रतिबिंब ने आधारे पण साबित करी शकाय एटले एक एकेय नथी अने व्याप्तय नथी। आ बीजा दाखलानी वात थई। जो नेक्स्ट त्रीजो दाखलो गणीए एफ आर थी आर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर आर थी आर वास्तविक संख्यानो गण होय तो शुं करी शकाय आ काढी नाखीए छीए चालो। तो एफ आर थी आर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर प्रत्येक एक्स मारे लेवाना छे आर मांथी एक एक छे के नहीं तो एक एक तो थाशे 100% नी वात छे कारण के दरेक घटक माटे अलग अलग प्रतिबिंब मळे। अरे भाई एक एक नो थाय z पछी आर आव्यो वन अने माइनस वन बे आवशे। हाँ हवे पाछुं आवुं लखवानी जरूर नहीं दर वखते चेक करवानी जरूर नहीं समझी शकाय वात छे। जो तमे वन राखशो अने माइनस वन राखशो आ बे जुदा जुदा घटको छे छतां वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन छतां बेना प्रतिबिंब सरखा मळे छे भाई। इम्प्लाइज एफ ऑफ वन અને એફ ઓફ માઇનસ વન આ બે સરખા મળે છે. હમણાં બતાવ્યું ને આપણે એફ ઓફ વન બરાબર વનનો સ્ક્વેર એટલે વન, એફ ઓફ માઇનસ વન માઇનસ વનનો સ્ક્વેર એટલે વન. વન અને માઇનસ વન જુદા જુદા છતાં પ્રતિબિંબ સરખા, એટલે એફ એક એક વિધેય નથી. એફ અનેક એક વિધેય છે, અનેક ઘટક એક ઘટક સાથે જોડાયેલો હોય. વ્યાપ્તની વાત કરો તો આનો વિસ્તાર ગણ શોધવો પડે. ચાલો આવડી જાય ને? હા, કેમ? એક્સ સ્ક્વેર ઝીરો કે ઝીરો કરતાં મોટા હોય અને એક્સ સ્ક્વેર એટલે જે એફ ઓફ એક્સ છે, આ એફ ઓફ એક્સને તમે વાય પણ કહી શકો, અને એક્સ સ્ક્વેર ઝીરો કે ઝીરો કરતાં મોટા એટલે આર એફ વિસ્તાર ગણાવશે ઝીરોથી શરૂ કરીને ઇન્ફિનિટી સુધી. આમ અને આમ લખી શકાય આર પ્લસ એટલે બધી ધન વાસ્તવિક સંખ્યા યોગ ઝીરો. અને તેથી તમે શું કહી શકો? તેથી તમે કહી શકો છો શું? આર એફ ઝીરોથી ઇન્ફિનિટિવ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ આર. અને તેથી કહી શકાય એફ વ્યાપ્ત વિધેય નથી, એક એક નથી ને વ્યાપ્ત નથી. પૂર્વ પ્રતિબિંબથી નહીં કહી શકાય. કેવી રીતના કહી શકાય? માઇનસ ટુ રાખો, માઇનસ ટુ સપ્રદેશમાં આવે તો કે આરમાં તો આવે જ ને ભાઈ. માઇનસ ટુને સંગત પૂર્વ પ્રતિબિંબ નથી મળતું. માઇનસ ટુ માટે એક્સ એવો મળતો નથી કે એફ ઓફ એક્સ બરાબર માઇનસ ટુ થાય. કેમ? કારણ કે એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર છે, એટલે વર્ક કરશો તો ધન જ આવશે, માઇનસ ટુ પ્રતિબિંબ આવશે જ નહીં. અને તેથી વિસ્તાર ગણ અને સપ્રદેશ ગણ સરખા નથી થતા. છે ને એકદમ ક્લિયર વાત? બસ આવી રીતના દાખલા સ્વાધ્યાયના ગણવાના છે. પણ હજી થોડુંક જો આપણે વધારે આનાથી આગળ, જો દાખલો તો પૂરો થઈ ગયો છે, પણ તમે એમસીક્યુ માટે તૈયાર કરતા હોય અને એમસીક્યુ માટે ફટાફટ નિર્ણય લેવાની વાત હોય તો તમને જો આ વિધેયના ગ્રાફની ખબર હોય, આલેખની ખબર હોય તો તરત જ ખબર પડી જાય મને એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેરનો આલેખ આરથી આરમાં દોરતા આવડે છે. દોરી નાખું, ચાલો. તમને આવડે છે એક્સ અક્ષ વાય અક્ષ ઝીરો આ પ્રકારનો મળે પરવલય ટાઈપનો એફ ઓફ એક્સ. આ બિંદુઓ લઈને ચેક કરવાનું, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. એક્સ સ્ક્વેર આ રીતનું મળશે. એફ ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેરનો ગ્રાફ આ સાચો છે. તો હવે તમે આ ગ્રાફ ઉપરથી શું કહી શકો? આ કહી શકાય એક એક છે કે નહીં, વ્યાપ્ત છે કે નહીં. કેમ ખબર પડે? જો હવે તમે આના ઉપરથી વિસ્તારગણની વાતની આપણને ખબર પડે. વિસ્તારગણ એટલે પ્રતિબિંબનો ગણ. પ્રતિબિંબ તમને ક્યાંથી મળે છે? તો કે ભાઈ ઝીરોથી વાય એક્સ ઉપર પ્રતિબિંબ મળે ને. ઘટક તમે અહીં લ્યો એક્સ અક્ષ ઉપર એક્સ વન, એનું પ્રતિબિંબ જોતું હોય તમારે અહીંથી આમ લંબ દોરવાનો, ગ્રાફને ટચ થાય ત્યાંથી તમારે આમ લંબ. અહીંયા તમને પ્રતિબિંબ મળ્યું હોય તો એનું અર્થઘટન કે આ ઘટકો છે એ પ્રદેશના ઘટકો છે એક્સ અક્ષ ઉપર મળે અને પ્રતિબિંબ છે એ ગ્રાફ ઉપરથી લંબ દોરો એટલે વાય એક્સ ઉપર મળે. હવે તમે જુઓ વાય એક્સ ઉપર પ્રતિબિંબ અહીંથી અહીં ઉપર સુધી મળશે. એનું અર્થઘટન કે પ્રતિબિંબનો ગણ ઝીરોથી ઇન્ફિનિટી સુધી થાય છે અને સપ્રદેશ તો આખો આર છે. તો નીચે પ્રતિબિંબ જ નથી મળતા, ભાઈની ઋણ કિંમત આગળ પ્રતિબિંબ જ નથી મળતા. એટલે જ આપણે અહીંયા જો ઝીરોથી ઇન્ફિનિટી લખ્યું. 11મા ધોરણની અંદર વિસ્તારગણ શોધવાની વાત ગ્રાફની મદદથી પણ કઈ રીતે, એટલે સિમિલર આપણને ખબર પડી ગઈ ભાઈ કે વિસ્તારગણ ઝીરોથી ઇન્ફિનિટી થાય છે. સપ્રદેશ ગણ તમે શું લખો? તો કે આર લખો, ન ભેગું થઈ ભાઈ, વ્યાપ્ત નથી. ખબર પડી ગઈ? એક એક માટે તો બહુ સહેલું છે. એક એક માટે શું કરવાનું? ગ્રાફને છેદે એ રીતે ક્ષમ ક્ષિતિજ રેખા દોરવાની. શું કરવાનું? ગ્રાફને છેદે એ રીતે ક્ષમ ક્ષિતિજ રેખા દોરવાની. જમીનને સમાંતર, એક શખ્સને સમાંતર એમ રાખો તો ચાલે. ગ્રાફને છેદે એ રીતે દોરો, ગમે ત્યાંથી ગ્રાફને છેદવું જોઈએ. તો ગ્રાફને છેદે એ રીતે ક્ષમક્ષિતિજ રેખા અહીંથી નહીં દોરી શકાય. હા, તો એક જ બિંદુમાં છેદે છે, પણ આપણે તો મેક્સિમમ કેટલા બિંદુમાં છેદે છે ક્ષમક્ષિતિજ રેખા એવું જોવાનું છે ગ્રાફની મદદથી. એટલે ઉપર ગમે ત્યાં ડ્રો કરી, ધારો કે અહીંયા ડ્રો કરી, તો જુઓ જઈને શક્યતા છે ક્ષમક્ષિતિજ રેખા કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? બે બિંદુમાં. જો તમે આવી રીતના ક્ષમક્ષિતિજ રેખા દોરો અને એ બે કે બે કરતાં વધારે બિંદુઓમાં છેદે તો તમારે ક્લિયર સમજવાનું થાય એક એક નથી. જો એક અને માત્ર એક જ બિંદુમાં ક્ષમક્ષિતિજ રેખા દોરતા છેદવાની વાત આવે, ગમે ત્યાંથી તમે દોરો, એક અને માત્ર એક જ બિંદુમાં ક્ષમક્ષિતિજ રેખા તમને મન પડે ત્યાંથી તમે દોરો અને એક અને માત્ર એક જ બિંદુમાં છેદે ગ્રાફને, તો તમારે સમજવાનું એક એક છે. આગળ આપણે વાત કરશું. અત્યારે ક્લિયર થાય છે. જો અહીંથી ઘણાએ દોરી હોય તો એક બિંદુમાં છેદે, અહીંથી દોરી હોય તો બે. આપણે મેક્સિમમ लेवानुं। ग्राफने छेदे ए रीते समक्षितिज रेखा दौरवानी नी मेक्सिमम महत्तम केटला बिंदुओं छेदी सके तो कि भाई बे बिंदुओं छेदी सकशे एनुं अर्थघटन के एक नथी। अने आवुं एटला माटे थाय छे के तमे अहींया घटक मळ्यो होय ने अहींया धारो के आ घटक छे धारो के x2 तो एने संगत प्रतिबिंब अहींया मळे, अहींया धारो के घटक छे x3 तो एने संगत प्रतिबिंब अहींया मळे। आ x3 अने x2 बे जुदा जुदा छे छतां प्रतिबिंब तो सरखा ज मळे छे एटले के एक एक विधेय नथी एवुं कही शकाय। तो आ ग्राफनी मददथी लॉजिकल बाबत आपणे समजाय छे। एकदम चेप्टर मजा आवे एवुं छे, एन्जॉय करी शकाय एवुं छे कारण के आपणे अर्थघटन परफेक्ट थई जाय। नेक्स्ट एना पछीना दाखला तरफ आगळ वधीए। चालो जो एफ एन थी एन जी बीजो दाखलो चाले छे एमां चौथुं अने पांचमानी वात छे। एफ एन थी एन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स नी 3 घात छे अने एक्स नी 3 घात ज विधेय में राख्युं छे पण z थी z कर नाख्या। तो चौथा दाखलानी वात करीए। एफ हाँ हवे आप जाणो छो ने आपणे आवडी होत जाय। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स नी 3 घात प्रत्येक एक्स केमांथी लेवाना छे भाई एन मांथी। तो एक एक थशे तो कि हाँ केवी रीतना खबर पड़शे चेक करो प्रत्येक x1 x2 एन माटे एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 बे सरखा x1 नी 3 घात x2 नी 3 घात हाँ घनमूल x1 बराबर x2 तेथी कही शकाय कि एफ एक एक छे। व्याप्तनी बात करवानी छे, विस्तार गण शोधी शकाय। एफ ऑफ 1 नी 3 घात एफ ऑफ 2 चालो 2 नी 3 घात एफ ऑफ 3 चालो 3 नी 3 घात આવી રીતના કન્ટિન્યુ આવશે। તો વિસ્તાર ગણ આપણને આર એફ બરાબર 1, 8, 27 આવું મળે છે। અને અહીં આપણે એન લખો, સહપ્રદેશમાં તો એન છે, આપણે એનથી એન રાખ્યું છે, પ્રદેશ એન સહપ્રદેશ આ બે સરખા થાય ન થાય તેથી એફ વ્યાપ્ત વિધેય નથી। એટલી ક્લિયર વાત છે, એક એક છે વ્યાપ્ત નથી। हवे z थी z माटे तो तमे करी ज शको ने, सिमिलर बाबत छे। हाँ एक एक थशे z थी z मां तो f z थी z f ऑफ x बराबर x नी 3 घात राखो एक एक थाय कारण के प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू z माटे f ऑफ x1 अने f ऑफ x2 तमे राखो बराबर x1 नी 3 घात अने आनुं प्रतिबिंब ले x2 नी 3 घात। हवे घनमूल लियो तो अहीं x1 बराबर x2 आवशे, जो प्लस और माइनस नहीं आवे कारण के घन छे, बे बाजू प्लस हशे तो बे किंमत सरखी, बे बाजू माइनस हशे तो माइनस x1 बराबर माइनस x2, माइनस माइनस दूर करो x1 बराबर x2। सिमिलर घटक सरखा ज मळे छे, जो जुदा जुदा नथी मळता अने तेथी कही शकाय के f एक एक छे, एक एक विधेय छे। अने विस्तार गणी पाछो z थी z मां आनी जेम शोधी शकाय, ए तमे होमवर्क मां ट्राय करजो। 1, 8, 27 एम आए एम पछी 0 मूको एटले 0 नी 3 घात एटले 0 माइनस 1 नी 3 घात एटले 1 माइनस 1 हाँ माइनस 2 नी 3 घात एटले माइनस 8 हाँ नॉट इक्वल टू थाय एटले व्याप्त नथी एवी वात आवशे। ए होमवर्क में ट्राय करजो। आनी अंदर हजी एक एक्स्ट्रा दाखलो एड करी शकाय जो आगळनी जेम आर थी आर एफ ऑफ एक्स एक्स नी 3 घात। चलो ए करिए, एक एड करिए टेक्स्टबुक नी रकम में थोड़ुंक एड करी अने एनी उपर चर्चा करिए। आपणे आवी रीतनी रकम बनावी आर थी आर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स नी 3 घात प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर। जो एक एक थशे कारण के प्रत्येक साबित आम ज करवानुं होय। एक्स1 एक्स2 बिलोंग्स टू आर माटे प्रदेशना कोईपण बे घटक प्रत्येक एटले दरेकनी वात छे। एफ ऑफ एक्स1 एफ ऑफ एक्स टू आ बे घटक सरखा तो अहींया x1 नी 3 घात x2 नी 3 घात आ बंने पण सरखा। घनमूळ काढो x1 बराबर x2 ज आवशे अने तेथी कही शकाय के f एक एक विधेय छे। तो अहीं विस्तार गण शोधवानी वात आवे तो फर्स्ट मेथड विस्तार गण शोधवानी वात आवे तो विस्तार गण x नी 3 घात छे। x बिलोंग्स टू जो r होय तो क्लियरली तमे कही सको x नी 3 घात बिलोंग्स टू आर थाय अने तेथी एफ ऑफ एक्स बराबर वाय एट के एक्सनी 3 घात बिलोंग्स टू आर अने तेथी कही शकाय कि आर एफ विस्तार गण आर आवे छे अने आर सहप्रदेशमां छे अने तेथी कही शकाय कि एफ व्याप्त विधेय छे। आ थई गयुं। हवे सेकंड मेथड करीए। चालो पूर्व प्रतिबिंबनी मेथड। पूर्व प्रतिबिंब में हूँ आवे प्रत्येक वाय बिलोंग्स टू आर सप्रदेश माटे सप्रदेशना कोईपण घटक प्रत्येकनी वात करी छे। एफ ऑफ एक्स बराबर वाय थाय एवो एक शोधवो पड़े मळे। एफ ऑफ एक्स एटले एक्सनी 3 घात बराबर वाय। हवे एक शोधवो होय तो एक्सनी 3 घात 1/3 बने बाजू लईए જોઈ શકાય છે। આ x આવશે y ની 1/3 ઘાત બિલોંગ્સ ટુ y r માં છે। y ની 1/3 ઘાત r માં આવે પડે છે। તેથી કહી શકાય કે પ્રત્યેક y બિલોંગ્સ ટુ r સહપ્રદેશ માટે આ x બરાબર y ની 1/3 ઘાત બિલોંગ્સ ટુ r એવો મળે છે કે જેથી मळे छे एफ ऑफ एक्स बराबर वाय थाय। चेक करवू होय तो करी शकाय। एफ ऑफ एक्स ना स्थाने वाय नी 1/3 घात लखी शकाशे। प्रतिबिंब शुं छे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स नी 3 घात अहीं एक्स होय तो एनी 3 घात अहींया जे छे एनी 3 घात लखवानी थाय वाय 1/3 एनी 3 घात। प्रतिबिंब तो आपणने खबर छे 3 3 केन्सल वाय एफ ऑफ एक्स बराबर वाय थाय। आ रीते मेळवू होय अने जो आवतुं होय तो एफ ऑफ एक्स बराबर वाय थशे ज कोई वांधो नथी अने तेथी कही शकाय एफ व्याप्त छे व्याप्त विधेय छे। सेकंड मेथड। हाँ आर थी आर नी वात वधारानी एक्स्ट्रा वात करी। हवे जो वात आनी अंदर एवी छे तमे तरत ज कहो साहेब हजी ग्राफनी मददथी करवू होय तो जेम एक्स स्क्वेर मां कर्युं तेम थई शके। एनी मददथी पण एक एक अने व्याप्तनी खबर पड़ी जाय तो आ दूर करी नाखीए छीए। नोट डाउन तो तमे कर्युं ज हशे। ग्राफनी मददथी विचारीए। चालो ग्राफनी मददथी आनो ग्राफ तमने दौरता आवड़े। भाई बधाजना ग्राफ तमने आवड़ता हो एक्स अक्ष वाय एक्स बनावी नाखो। बिंदुओ लईने दौरी शकाय। एक्स अक्ष वाय अक्ष 0 0 मूको એટલે 0 નું પ્રતિબિંબ 0 1 નું પ્રતિબિંબ 1 2 નું પ્રતિબિંબ 8 આવી રીતના આવે। આમ આવશે -1। આ f ઓફ -1 રાખો જોજો -1 ની 3 ઘાत बराबर -1 નું પ્રતિબિંબ -1 નીચે આવે -2 નું પ્રતિબિંબ -8 આમ આવે એટલે આવી રીતના ગ્રાફ આવશે। 11મા ધોરણમાં બધાય ગ્રાફ આપણે બનાવ્યા છે ભાઈ। હા મજા આવે એટલે વિડિયો લેક્ચર એ છે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી લઈ લેવાનો અને જોઈ લેવાનો। એક ક્લિક ઉપર આખો વિડિયો આપણને મળી જશે। f ઓફ x બરાબર x ની 3 ઘાત। ચાલો વિસ્તારગણ करो तो बात करो तो विस्तारगण की बात करो तो भाई अरे भाई करो करो तो वाई एक्स पर घटको अँ लेवाना। धारो कि आ x1 में घटक लीधो हो तो तमारे त्यांथी आवी रीतना ग्राफ ने टच थई त्यांथी प्रतिबिंब आखी वाई एक्स कवर करे। जो ग्राफ बे बाजू अनंत सुधी छे आखी वाई एक्स कवर करे एटले विस्तारगण शुं थाय तो कि आर अने सप्रदेश गण शुं छे तो कि आर अने तेथी कही शकाय व्याप्त विधेय छे। एटलुं सहेलुं छे। तो आनी अंदर उपर तरफ ज खाली ग्राफ आवतो हतो। आनी अंदर आखो ग्राफ आवे छे। वाई एक्स 0 ऊपर धन ऋण आखी वाय एक्स कवर करे। तो विस्तार गण ग्राफनी मदद इजीली मळी गयो। हवे ग्राफ छे एने छेदे ए रीते क्षमक्षितिज रेखा दौरवानी गमे त्यांथी दौरवानी। मेक्सिमम केटला बिंदुमां छेदशे जो तमे अहींथी दौरो तो जो आ ग्राफ साथेनुं छेद बिंदु एक ज मळ्युं। एक ज बिंदु में छेदे अहींथी दौरशो तो एक ज बिंदु में अहींथी दौरशो तो एक अने मात्र एक ज बिंदु में छेदे छे। जो क्षमक्षितिज रेखा गमे त्यांथी तमे दौरवामां आवे एक अने मात्र एक ज बिंदु में छेदे छे। तेथी कही शकाय के आ विधेय एक एक छे। तो y बराबर एक्स स्क्वेर में शुं थतुं हतुं के क्षमक्षितिज रेखा दौरता ई एक करता वधारे बे बिंदु में छेदती थी। आनी अंदर तमे गमे त्यां तमे क्षमसीधी रेखा दौरो। क्षमसीधी रेखा एक ज दौरवानी छे, ग्राफने छेदे ए रीते अने तमने मन पड़े त्यांथी तमे दौरी शको। अने मेक्सिमम केटला बिंदुमां छेदे ए तमारे अवलोकन करवानुं छे। तमने मन पड़े त्यांथी दौरशो पण एक अने मात्र एक ज बिंदुमां छेदशे। अने ज्यारे y बराबर एक्स स्क्वेर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेरनो जे ग्राफ हतो आ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेरनो ग्राफ हतो। हवे मने मन थयुं के અહીંથી મારે સમસીધી રેખા દોરવી છે, તો જોઈ શકો છો તમે બે બિંદુમાં છેદે છે, એટલે એક એક નથી આ એક એક છે એવું આવે। તો ગ્રાફની મદદથી પણ એક એક અને વ્યાપ્તની ખબર પડી જાય। નેક્સ્ટ દાખલા તરફ આગળ વધીએ ચાલો। એના પછી f r થી r f ઓફ x બરાબર જો મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેયની વાત છે, આ જે લખ્યું છે મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય છે। महत्तम पूर्णांक भाग विधेय आप वाकेफ छो, एक्स थी अधिक न होय तेवा पूर्णांकोमांथी सौथी मोटो पूर्णांक एक एक छे के नहीं क्लियर खबर पड़े भाई। जो एफ ऑफ अहींया आपणे लखीए 1.2, चालो 1.2 नु महत्तम पूर्णांक भाग विधेय संख्या रेखा उपर 1 2 आ बाजू आवशो एटले 3 आ बाजू आवशो एटले 0। अहींया आपणे लख्युं छे 1.2 एनाथी अधिक न होय तेवा वधारे न होय तेवा पूर्णांको आ बाजू आवे एमांथी सौथी मोटो पूर्णांक एटले आनो जवाब आपणे 1 मळे छे। एवी ज रीतना एफ ऑफ 1.7 राखो, चालो 1.7 नो महत्तम पूर्णांक भाग विधेय 1.7 अहींया आवशे 1.7 एनाथी अधिक न होय तेवा पूर्णांको आ बाजू -1 0 1 एमां सौथी मोटो पूर्णांक 1 आवे छे। तो क्लियर खबर पड़ी 1.2 अने 1.7 आ बे तो सरखा नथी भाई, जुदा जुदा छे, छतां तमे जुओ एफ ऑफ 1.2 अने एफ ऑफ 1.7 आ बेना प्रतिबिंब आपणे केवा मळे छे सरखा। अने तेथी कही शकाय के एफ एक एक विधेय नथी। केवुं विधेय छे? हाँ, एफ अनेक एक विधेय छे। व्याप्तनी बात करवी होय तो व्याप्तनी बात खूब सहेली। आनो विस्तार गण आरएफ, महत्तम पूर्णांक भाग विधेयनो विस्तार गण आवशे z। पूर्णांक संख्याओ बधी मळशे आपणे ऑलरेडी खबर छे। अने सहप्रदेशनी अंदर r छे, आ बे सरखा थाय छे, कोई दी सरखा न थाय। अने तेथी कही शकाय के f व्याप्त विधेय नथी। पूर्व प्रतिबिंबथी पण काम करी शकाय। हाँ, तमे अहींया धारो के 1.5 राखो, सप्रदेश की किंमत 1.5 ने संगत आपने एक्स एवं मळतो नथी के एफ ऑफ एक्स बराबर 1.5 थाय, कारण के जवाब पूर्णांक किंमत मळे ज। अने तेथी कही शकाय के व्याप्त नथी, खाली लखवानी वात छे। एम सेकंड मेथड थी तमे साबित करी शको व्याप्त नथी एवुं। नेक्स्ट एना पछीना क्वेश्चन तरफ आगळ वधीए। हवे खूब मजा आववा માંડી छे, खूब सहेलुं मानांक विधेय छे। जो एक एक छे के नहीं कही शकाय। हाँ, एफ ऑफ 1 तमे राखो बराबर मानांकनी अंदर 1 बराबर 1, जो क्लियर मळी जाय छो। -1 राखो, -1 बराबर 1, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। छतां तमे जुओ एफ ऑफ 1 अने एफ ऑफ -1 आ बेना प्रतिबिंब सरखा मळे छे। तेथी कही शकाय के एफ एक एक विधेय नथी। केवुं तो कही शकाय के एफ अनेक एक छे, अनेक एक विधेय छे। व्याप्तनी बात करो तो आनो विस्तार गणी आपने खबर छे। आर एफ शू थाय? हाँ, r+ योग 0, अथवा तो तमारी भाषा में 0 थी इन्फिनिटिव। केम? कारण के एक्स मानांकनी अंदर एक्स 0 के 0 करता मोटा होय भाई तो न ज आवे। अने सामेनी बाजू आर छे सहप्रदेश में, आ बेय सरखू थाय न थाय। अने तेथी कही शकाय के एफ व्याप्त विधेय नथी, एक एक नहीं, व्याप्त नहीं। तो आनो ग्राफ दौरवामां आवे तो आ लेख आ रीतनो आपणे मळे छे। बे किरणोंनो योग, आ एक्स अक्ष छे, आ वाय अक्ष छे, आ उगम बिंदु छे। आ मानांकनो ग्राफ आपणे आवो मळे छे, एफ ऑफ एक्स बराबर मानांकनी अंदर एक्स। तो अत्यार जो विस्तार गणनी अंदर 0 थी उपर तरफ ज मळे छे, 0 थी इन्फिनिटिव प्रतिबिंब, एटले व्याप्त नथी थातुं। अने सप्रदेश गणनी अंदर तो आर छे। बीजुं समक्षितिज रेखा दौरवामां आवे एवी रीतना गमे त्यांथी दौरो। मेक्सिमम केटला बिंदुमां छेदे? અહીંથી 1 બિંદુમાં, પણ અહીંથી દોરું તો 2 બિંદુમાં। વાહ, એવું શક્ય છે કે સમક્ષિતિજ રેખા છે એ 2 બિંદુમાં છેદી શકે છે। 2 કે 2 કરતાં વધારે બિંદુમાં છેદે તો હા કહી શકાય કે એક એક નથી। આ તારણ કાઢવા માટે છે, લખવાનું તો આમ જ હોય ભાઈ, સાબિત આવી રીતના કરવાનું હોય। આ તો ક્વિક તારણ માટે, તમને ગ્રાફ ખબર હોય તો ફટાફટ એક એક છે કે નહીં, વ્યાપ્ત છે કે નહીં તમે કહી શકો। એમસીક્યુ માટે બહુ કારગર સાબિત થાય આ પેટર્ન। नेक्स्ट एना पछी दाखलानी अंदर आगळ वधीए। चालो चिन्ह विधेय थी जाए। हाँ अहींया एफ ऑफ एक्स बराबर 1 क्यारे विकल्प एक एक्स की किंमत 0 करता मोटी हो तो बहुत क्लियर बात है। तो एक्स बराबर 2 राखो तो 0 करता मोटा है। प्रतिबिंब एक 3 राखो तो हाँ 0 करता मोटो। प्रतिबिंब एक 2 और 3 बे जुदा जुदा है जो छता बेना प्रतिबिंब एफ ऑफ 2 बराबर 1 आए, एफ ऑफ 3 बराबर 1 आए। तीन कही सकते कि एफ एक एक विधेय नहीं, अनेक एक है भाई, एफ अनेक एक है। આવી રીતની વાત છે। વ્યાપ્તની વાત કરવી હોય તો આનો વિસ્તાર ગણ આરએફ બરાબર ક્લિયર દેખાય છે, એક્સ 0 કરતાં મોટા હોય ત્યારે 1 આવશે, પછી 0 આવશે અને -1 આવે, 3 પ્રતિબિંબ મળશે। સહપ્રદેશની અંદર r છે, સહપ્રદેશની અંદર r છે, આ બંને સરખા થાય ન થાય અને તેથી કહી શકાય કે વ્યાપ્ત વિધેય નથી, એકેય નથી અને વ્યાપ્તય નથી। ખૂબ સરસ વાત છે। નેક્સ્ટ દાખલા તરફ આગળ વધીએ। ચાલો एफ आर थी आर एफ ऑफ एक्स बराबर 3 - 4x। आ सुरेखा मैं सुरेखा अनंत सुधी विकसेली होय, विस्तार गण आर थाय, सहप्रदेश गण आर एटले व्याप्त छे। अने गमे त्यां तीक्ष्ण सीधी रेखा दौरो, एक अने मात्र एक ज बिंदुमां छेदेल, एक एक पण छे जो डायरेक्टली खबर पड़ी जाए ग्राफनी मददथी, दोयो नथी त्यां खबर पड़ी जाए। पण छतां साबित करवुं होय तो आपणे आम करी सकीए, प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू आर प्रदेश माटे x1 एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लियो। आगळ वधो, एफ ऑफ x1 एटले 3 - 4x1, एफ ऑफ x2 एटले 3 - 4x2। आ बे सरखा। हवे x1 बराबर x2 मळे छे के नहीं ई चेक करो। आ बे केन्सल, -4x1 बराबर -4x2, बे बाजुथी -4 - 4 केन्सल, x1 बराबर x2 थाय ज भाई। अने तेथी कही शकाय के एफ एक एक विधेय छे। विस्तार गण शोधवानी वात आवे आनी अंदर थई शके केम, एक्स बिलोंग्स टू आर, जो -4x ई वास्तविक किंमत ज होय, 4 वडे कोईपण वास्तविक संख्या वडे गुणो वास्तविक संख्या ज मळे, वास्तविक संख्या उमेरो तो वास्तविक मे। एनु अर्थघटन के एफ ऑफ एक्स बराबर वाय बराबर 3 - 4x, टोटली वास्तविक किंमत मे। अने तेथी कही शकाय के आर एफ बराबर आर आवे छे अने आर ज सहप्रदेश में छे भाई, अने बे सरखी बात है, बे गण सरखा मळे छे अने तेथी कही शकाय के एफ व्याप्त विधेय छे। एटलुं सहेलुं छे। आनी अंदर सेकंड मेथड करवी होय तो करी शकाय, खूब सहेली बात छे सेकंड मेथड। चालो, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r सहप्रदेश माटे, एफ ऑफ एक्स बराबर y लई अने x शोधवानो प्रयत्न करो। प्रदेश में x मळे छे, दरेक y माटे पूर्व प्रतिबिंब मळे छे के नहीं चेक करो। एफ ऑफ एक्स एटले 3 - 4x बराबर y, आमांथी x ने करता बनावो, 3 - y, y आ बाजू आवे, 4x आ बाजू जशे। x ने करता बनावो एटले 3 - y/4। हाँ बिलोंग्स टू आर, वाई आर में से बादबाकी करो, वास्तविक संख्या 4 नॉट इक्वल टू 0 व्याख्यायित है, बिलोंग्स टू आर मळे छे। अने तेथी कही शकाय के प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू आर सहप्रदेश माटे एक्स बराबर 3 - y/4 बिलोंग्स टू आर, एटले के प्रदेश में एवो मळे छे, प्रदेश में एवो घटक मळे छे के जेथी एफ ऑफ एक्स बराबर वाय थाय। सीधू ज लखी नखाय। हाँ, दर वखते चेक करवानी जरूर नहीं, कारण के आज रीते मेळवू ज अने छतां मेळवू होय तो मने कंई वांधो नथी। अहींया 3 - y/4 एक्स नी किंमत लखी नाखी। एफ ऑफ एक्स प्रतिबिंब आवी रीतना मळे छे, 3 - 4x, तो आ 3 - 4 अने एक्सना स्थाने छे ए मूकी दई, 3 - y/4। आ तो तमने खबर, आने एम धारी लियो तो खबर पड़े, 3 - 4 एम, पछी एम नी किंमत मूको, सेलू छे एम धारी लीधुं, 3 - 4 एम, एम नी पाछी किंमत मूकी दीधी, प्रतिबिंब सीधू ज लखी शकाय। जो 4 - 4 केन्सल, सादुरूप आपो, 3 - 3 + y, 3 - 3 केन्सल, वाय, एफ ऑफ एक्स बराबर वाय थाय छे। अने तेथी कही शकाय के एफ व्याप्त विधेय छे। थई गयुं। हवे आनो ग्राफ दोर्यो होत तो केवो મળત આપણને? ગ્રાફની મદદથી આપણે नक्की करव तो अँ आप ग्राफ बनाए जो आ एक्स अक्ष है आ वाई अक्ष है जीरो एक्स बराबर जीरो राखो एक्स बराबर जीरो वाई आम एफ ऑफ एक्स बराबर वाई तमे विचारता हो तो वाई बराबर 3 - 4x एक्स बराबर जीरो त्यारे वाई केटला मळशे तमने 3 एटले 3 जीरो क्यां आवशे तो अहींया एक्स बराबर जीरो अने वाई बराबर 3 एटले 0 3 जीरो नहीं 0 3 एक्स बराबर जीरो वाई बराबर 3 मिले। हवे वाई याम जीरो राखो तो एक्स बराबर केटला मळशे आ जीरो राखो तो 4x 3/4 लाइया मळशे धारो के अने बेमांथी पसार थती रेखा आ रेखा दौरी शकाय एक्स अक्ष ने अने वाई अक्ष ने क्यां छेदे छेदबिंदु मेळवीने आ छेदबिंदुनी वात करवी होय तो 4x बराबर 3 एटले 3/4 जीरो आवुं थशे। हवे आखी वाई एक्स कवर करे विस्तार गण आर सप्रदेश गण आर व्याप्त है एक एक क्षमक्षितिज रेखा दौरो। हाँ गमे त्यांथी दौरी शकाय अहींथी दौरी एक ज बिंदु में छेदे नीचे गमे त्यांथी दौरी होय तो एक ज बिंदु में छेदे एटले एक एक है व्याप्त पण छे। आवी रीतना क्लियरली ग्राफ की मदद थी खबर पड़े आ रीते दाखलो थई शके। नेक्स्ट दाखला तरफ आगळ वधीए। चालो पाछू एम ज आगळ छे बीजा नंबरनो दाखलो एफ ऑफ एक्स बराबर 1 + x² આવી રીતની વાત છે। ચાલો તો આમાં તો ક્લિયર ખબર પડશે 1 રાખશો એટલે એફ ઓફ 1 x² આવ્યા ને એનો નેચર તો આપણને ખબર જ હોય 1 + 1² એટલે 2 થશે -1 રાખો જો કેવી સરસ વાત છે 1 આ એફ ઓફ x બરાબર 1 + x² x ના સ્થાને મૂકીએ છીએ પહેલા 1 રાખ્યા -1 રાખીએ -1² એટલે 1 + 1 बराबर 2 थाय જોઈ શકાય છે 1 અને -1 સરખા નથી છતાં એફ ઓફ 1 અને એફ ઓફ -1 બેના પ્રતિબિંબ 2 સરખા મળે છે તેથી કહી શકાય કે એફ એક એક વિધેય નથી એફ અનેક એક છે અનેક એક વિધેય છે। क्लियर। व्याप्त की बात करिए अहीं एक्स बिलोंग्स टू आर होय तो x² जीरो के जीरो करता मोटू थे बेसिक वस्तु बे बाजू 1 उमेरो 1 + 0 असमता एम नीए आ शू है तो कि एफ ऑफ एक्स एटले कि आपणे वाई कहता हो तो वाई प्रतिबिंबनो गण 1 करता मोटो तो विस्तार गण शू थाय RF 1 थी मोटी बधी ज संख्या 1 थी मोटी बधी ज संख्या 1 थी इन्फिनिटी सप्रदेश गण आर है बे सरखा नहीं एफ व्याप्त विधेय पण नहीं। एक एक नहीं अनेक एक है अने व्याप्त विधेय पण नहीं। आ रीतना सीम्पली दाखलो थी सके। सेकंड मेथड करवी होत तो करी हकत कारण के आपने 1 થી ઇન્ફિનિટી सुधीनो विस्तार गण मळे छे एनुं अर्थघटन के माइनस धारो के 5 राख्या तो -5 सहप्रदेशनी अंदर है -5 ने संगत आपने x एवो मळतो नथी कि एफ ऑफ एक्स बराबर -5 लखी सकीए। देखीती वात छे -5 ने संगत पूरो प्रतिबिंब नहीं मळतुं एटले व्याप्त नहीं एम तमे लखी सको बतावी सको। नेक्स्ट दाखला तरफ आगळ वधीए। चालो एफ ए क्रॉस बी थी बी क्रॉस ए अने बी कोईपण बे आपेल गण है अने एफ ऑफ ए बी आवी क्रमयुक्त जोड़ हो तो प्रतिबिंब बी आवे छे तो आ एक एक है कि नहीं व्याप्त है कि नहीं एवी बात करवानी छे। तो आनी अंदर बे घटकों मारे लेवा पड़े एटले प्रत्येक एक हूँ ए बी राखूँ अने एक बीजो घटक सी डी राखूँ बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माटे एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ सी डी मार शू बतावू पड़े ए बी बराबर सी डी थाय तो ए बी आग प्रतिबिंब है सी डी आग प्रतिबिंब है जो ए बी और सी डी बे सरखा थाय तो आप कही शकाय के एक एक है न तो ना पाड़ी देशो करो चेक तो आनु प्रतिबिंब शू आवे एफ ऑफ ए बी हो तो जो उल्टाई जाए छे आनु प्रतिबिंब शू आवे एफ ऑफ सी डी हो तो आनी जेम ज उल्टाई जाए छे ए बी हो तो बी ए थी जाए अँ सी डी हो तो डी सी थी जाए आ बेक्रमयुक्त जोड़ सरखी क्यारे थई बी बराबर डी अने ए बराबर सी। तो आने आम लखी शकाय, केम लखी शकाय? हाँ, ए बराबर सी अने बी बराबर डी एम लखी शकाय। अने तेथी आवुं थयुं, जुओ जोईने ए बी बराबर सी डी, कारण के ए बराबर सी है, बी बराबर डी है। तेथी कही शकाय कि एफ एक एक विधेय है। हाँ, व्याप्त विधेय पण थशे। सेकंड मेथड में जाइए, एमां प्रत्येक सप्रदेशनो ज कोईपण एक घटक लईए। सप्रदेश में धारो के लईए ए बी बिलोंग्स टू, सप्रदेश में बी क्रॉस ए लेवानुं छे એટલે बी ए राखीए चालो, कारण के ए बी ए क्रॉस बी में होय तो बी ए बी क्रॉस ए में मळशे। सप्रदेश माटे बी ए क्रमयुक्त जोड़ बी क्रॉस ए नी छे, सप्रदेश माटे हाँ ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी आपने एवं मळे। आ ए क्रॉस बी है प्रदेश है के जेथी एफ ऑफ एक्स एक्स एटले के ए बी एफ ऑफ ए बी बराबर बी ए थाय थाय ज छे, कारण के प्रतिबिंब एम ज व्याख्यायित कर्युं छे ए बी बराबर बी ए। अने तेथी कही शकाय के व्याप्त विधेय छे। एटली सहेली वात छे, एक एक है व्याप्त है। और जो आ थोड़ूक विचारो हूँ बात करी अँ आप ए क्रॉस बी लखीए। हाँ, दाखलो पूरो थी गयो। अँ वधारानी बात समझवा माटे छे, तमने क्लियर खबर पड़े। बी एट हूँ एम कहवा माँगु छूँ कि भाई जो अँ ते कोईपण एलिमेंट लखशो, धारो कि अँ ते लखो एम एम, तो एने संगत पूर्व प्रतिबिंब मळे ज एन एम, कारण के एम तमे बी मांथी राख्यो होय, एन ए मांथी राख्यो होय, तो एन तमने हाँ ए मांथी न ज मळे छे, एम बी मांथी न ज मळे। तो आने संगत पूर्व प्रतिबिंब मळे छे, जेथी आनुं प्रतिबिंब आ थाय। कोई पण घटक, धारो के तमने मन थाय मारे 1 2 राखवा छे, तो 1 केमां हशे बी गणमां, 2 केमां हशे ए गणमां, तो 2 1 तमने प्रदेश गणमां मळशे ए क्रॉस बी मां। हाँ, ए बराबर बे है, बी बराबर 1 है, सेम थी और 2 1 प्रतिबिंब 1 2 थे, कारण के ए बी प्रतिबिंब बी ए थे। एनु अर्थघटन के सप्रदेश दरेक घटक ने संगत पूर्व प्रतिबिंब मे। आ एवं बताव्यू बी ए सप्रदेश घटक, एना ए बी प्रदेश में अपन मे, जेथी एफ ऑफ ए बी बराबर बी ए थाय। एनु अर्थघटन के सप्रदेश दरेक घटक ने संगत पूर्व प्रतिबिंब मे, एटले के विस्तार गण और सप्रदेश गण सरखा है, एटले व्याप्त विधेय है। लखवानुं एटलुं ज होय साबितीनी अंदर, जे कॉन्सेप्ट हेमज्या छे लख्युं छे आनी अंदर। अने वात एम ज करे छे कि आ ए अने बी आपेला गणो छे, क्या गण छे एनी अंदर घटको कोण छे एपुं नथी, એટલે આપણે વ્યાપક જ વાત કરવી પડે। ધારો કે આની અંદર આવી રીતના p અને q હોય, તો એને સંગત પૂર્વ પ્રતિબિંબ મળે, તો કે હા ભાઈ qp મળે। આની અંદર અહીંયા કોઈ પણ તમે ક્રમયુક્ત જોડ લખશો, એને સંગત પ્રદેશમાં આપણને મળશે કે f ઓફ ab બરાબર f ઓફ ab બરાબર શું થાય b એ થાય, એટલે કે 2 1 હોય તો 1 2 થાય, qp હોય તો pq થાય। એ પ્રકારના આપણને પૂર્વ પ્રતિબિંબ મળે અને તેથી વિસ્તાર ગણ અને સપ્રદેશ ગણ સરખા થાય છે, તેથી વ્યાપ્ત વિધેય છે। ક્લિયર? ઓકે, આગળ વધીએ ચાલો। જો એફ એન થી એન અને આ પ્રકારના વિધેયની વાત છે, એક એક છે કે નહીં, વ્યાપ્ત છે કે નહીં, એવું મારે કહેવાનું છે। ચાલો, નો પ્રોબ્લેમ, કહી દઈએ। તો આની અંદર સૌથી પહેલું કામ મારે કરવાનું થાય, હા આ અયુગ્મ હશે ત્યારે આ સૂત્ર કામ કરશે, યુગ્મ હશે ત્યારે આ કરશે। એન બરાબર 1 રાખવું, 1 તો હા એનમાંથી લેવાના છે ને ભાઈ, એટલે એન બરાબર 1 રેખા સૌથી પહેલાં। અયુગ્મ છે, અયુગ્મ છે તો સૂત્ર ક્યુ કામે લાગે, એફ ઓફ એન બરાબર અયુગ્મવાળું હા આટ લાગે, એન પ્લસ 1/2, તો એફ ઓફ 1 મૂકો બરાબર 1 + 1/2, 2/2 એટલે 1। એન બરાબર હું 2 રાખું, आ युग्म है तो आनी अंदर क्यों सूत्र लगे, एफ ऑफ एन बराबर युग्म हो त्यारे आ सूत्र लगे, एन युग्म है n/2, तो एफ ऑफ 2 मूको, आप युग्म किंमत मुकाई 2/2 बराबर 1। आ तो क्लियर थी गई बात, मजा आई बात थी गई। आ बे उपरथी जुओ जोईने हूँ स्पष्ट थाय छे। हाँ बोलो, 1 और 2 बे सरखा नथी, छतां एफ ऑफ 1 अने एफ ऑफ 2 बे सरखा मळे छे। केम खबर पड़ी? 1 और 2 सरखा नहीं, एफ ऑफ 1 बराबर 1, एफ ऑफ 2 बराबर 1, और तेथी कही शकाय कि एफ एक एक विधेय नहीं। जो आटलू सहेलू है भाई, एफ अनेक एक है, एक एक नहीं अनेक एक है। व्याप्तनी बात हजी आपणे करवानी छे तो विस्तारगण शोधवो पड़े तो आम ज कंटीन्यू आगळ वधो ने भाई विस्तारगण मळी जशे ने। हवे एन बराबर आपणे जेम 1 राख्या तेम 3 आगळ वधीए 3 राखो 3 प्लस 1/2 एटले 4/2 एटले 2। हाँ एन बराबर जो अहींया अयुग्म किंमत ज रखाय युग्म माटेनुं आ सूत्र छे एन बराबर 5 राखी शकाय 5 राखो चालो 5 + 1/2 6/2 एटले 3 आम कंटीन्यू आगळ वधशे। अहींया बधी युग्म किंमत ज राखी शकाय एन बराबर 2 राख्या एम एन बराबर 4 राखी शकाय। हाँ 4/2 बराबर 2 एन बराबर 6 राखी शकाय युग्म राखी शकाय 6 6/2 एटले के 3 आम कंटीन्यू आगळ आवशे। तो आर एफ विस्तारगण शू थे तो कि n + 1/2 जो आम लखाय। हाँ क्यारे तो कि एन अयुग्म बिलोंग्स टू एन 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 मांथी लेवाना प्राकृतिक संख्या अयुग्म होय योगगण n/2 बधाय प्रतिबिंबो क्यारे एन युग्म एन बिलोंग्स टू एन एवं थई त्यारे आनी अंदर थी कोण कोण घटको मळे छे आना प्रतिबिंबो क्या क्या मळे छे आ गुणधर्म प्रमाण लख्युं यादी स्वरूपे लखो तो 1 2 3 आम डॉट 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 आगळ आगळ चेला राखे छे। योगगण आमां 1 2 3 आम आगळ आगळ चेला राखे छे। बेयनो योगगण ल्यो तो शुं मळे आपणे अहींया लखीए चालो बेयनो योगगण ल्यो એટલે आर एफ बराबर शुं मळे छे 1 2 3 नीच घटको छे अनंत सुधी। हमें सहप्रदेश एन छे सहप्रदेश बे सरखू छे के जुदू जुदू छे नक्की करो चालो सरखू ज छे तेथी एफ व्याप्त विधेय छे तो आ सहेली बात छे सरखू ज 1 2 3 एम अनंत सुधी आवे छे एन सहप्रदेश गणनी अंदर छे एक एक नहीं व्याप्त छे। आ रीते दाखलो थाय। चालो एना पछीनो दाखलो गणीए आपणे 10मो दाखलो छे। ए गण आप्यो छे r - 3 अने बी गण आप्यो छे r - 1 एफ ए थी बी परनुं विधेय छे अने f ऑफ x बराबर आ एक एक छे के नहीं व्याप्त छे के नहीं तो चालो चेक करिए। बे घटक लईए x1 x2 बिलोंग्स टू ए ए एटले आपणे क्लियर खबर छे r - 3 माटे चालो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लईए चेक करिए x1 बराबर x2 मळे छे के नहीं। एफ ऑफ x1 लखशो एटले अहीं शुं आवशे x1 - 2 x1 - 3 अहींया एफ ऑफ x2 लखो तो x2 - 2 अने x2 - 3 चालो सादुरूप छे। आने सामे अहीं गुणी नाखीए x1 - 2 अने x2 - 3 x2 - 2 छे आने सामे गुणीए x1 - 3 करो गुणाकार चालो x1 - 2 - 3 x1 - 2 x2 - - + 6 बराबर नीचे लखीए x1 - 3 x2 - 2 x1 अने ---+6 बराबर नी बे बाजू जो आ केन्सल आ 6 केन्सल एक बाजू x1 वाळा पद भेगा करीए आ 2x1 ने आ बाजू लई आवी अने -2x2 ने आ बाजू लई आवी तो आ बाजू -3x1 छे +2x1 थाशे बराबर -3x2 छे माइनस वाळुं स्टेप आ बाजू जाए एटले +2x2 तो आ थाशे -x1 अने आ थाशे -x2 अने तेथी शुं थाय जुओ जीने। हाँ x1 = x2 बे बाजूथी माइनस दूर करो तेथी कही शकाय के एफ एक एक विधेय छे। सिंपल वात छे। जो व्याप्त बतावुं होय तो पूरो प्रतिबिंबथी काम थई शकशे। चालो पूरो प्रतिबिंब थी काम करिए। प्रत्येक y बिलोंग्स टू b एटले के r - 1 सहप्रदेश माटे x गोतवा पड़े प्रदेश मांथी केवी रीतना x गोतवाना तो f ऑफ x बराबर y लखीने x गोतो f ऑफ x एटले x माइनस तो व्याख्यायित छे x इज नॉट इक्वल टू 3 एनी अंदर 3 नहीं कहीं प्रश्न नहीं y व्याख्यायित होय दरेक y माटे प्रदेशनो घटक आपणने मळवो जोईए तो x - 2 अने x - 3 एफ ऑफ एक्स बराबर तो आ छे y आमांथी x ने करता बनावो छे x - 2 बराबर आ सामे गुणाई जशे गुणी नाखो xy - 3y एक्स ने करता बनावो है एटले 3y ने आ बाजू लई लीओ 3y माइनस 2 एक्स ने आ बाजू मोकली दईए xy माइनस एक्स आमांथी एक्स कॉमन लई लईए एटले y माइनस 1 थशे बराबर 3y माइनस 2 तो y x बराबर थ्री वाई माइनस टू ना छेद में वाई माइनस वन आ बिलोंग्स टू ए आववू जोईए एटले आर माइनस थ्री आवे छे। हाँ वाई वन नथी लेवाना व्याख्यायित छे अने वास्तविक किंमत मळशे आर माइनस थ्री में तेथी वाई माटे एक्स आपणने मळे छे पूर्व प्रतिबिंब मळे छे तेथी एफ व्याप्त विधेय छे खाली लखवानी वात छे लखी नाखो चालो शू आपने मिलू प्रत्येक y बिलोंग्स टू b सहप्रदेश माटे आपने x 3y माइनस टू ना छेद में वाई माइनस वन एवो मड़े छे के जेथी आ एफ ऑफ एक्स बराबर वाई थाय छे अने तेथी कही शकाय एफ व्याप्त विधेय छे। आ बात अँ पूरी थी एक एक व्याप्तनी बात खबर पड़ गई। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई अँ आप दर वक्त चेक करते हैं चेक कर सकते खरेखर थाय मैं सीधू लखी नाख्यू कारण के एफ ऑफ एक्स बराबर वाई पर आप एक्स मेड़वा छता कोई ने अँ चेक करव हो तो कर सके आप चेक करिए आ एक एक बात काढ़ी नाखीए छे तब दाखलो नोट डाउन तो करो है कोई वांधो नहीं आ बात काढ़ी नाखीए छे चलो अने एफ ऑफ एक्स बराबर वाई थाय छे कि नहीं चेक करिए। चलो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ हम एक्स ना स्थाने हूँ राखवानुं छे 3y माइनस टू छेद में वाई माइनस वन तमने समझाय ने एटले हाल पूरतो आने एम कही दूँ ज्यां एम बराबर मैं शू कीधुं छे 3y माइनस टू ना छेद में वाई माइनस वन हम एफ ऑफ एम एटले हूँ आ समीकरण प्रमाण जोवो जोईए एम माइनस टू ना छेद में एम माइनस थ्री एमनी किंमत मूकी दियो 3y माइनस टू वाई माइनस वन माइनस टू छेद में 3y माइनस टू वाई माइनस वन माइनस थ्री वाई माइनस वन लसाउ से कैंसल थी जाए आ एम जी धैर्य आपणे काढ़ी नाखीए छीए अने सादुरूप आगळ वधारीए छीए चालो वधारो वाई माइनस वन सामे गुणाई जशे अहीं आवशे 3y माइनस टू हाँ मैं गुणी नाखीए माइनस टू वाई हाँ माइनस माइनस प्लस बे छेद में लखो 3y माइनस टू आ सामे गुणोल माइनस थ्री वाई माइनस माइनस प्लस थ्री आपो सादुरूप तो माइनस टू प्लस टू साथ कैंसल 3y में 2y बाद एटले वाई अहीं जोई शकाय छे आ 3y प्लस माइनस साथ कैंसल माइनस टू प्लस थ्री एटले वन बराबर वाई आवे छे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई थाय छे सीधुं लख्युं तो अहींया कारण के एना उपरथी न मेळव्युं छे एटले व्याप्त विधेय छे पूर्व प्रतिबिंब मळे छे सप्रदेशना दरेक घटकने संगत पूर्व प्रतिबिंब मळे छे अने तेथी कही शकाय व्याप्त विधेय छे। आ रीते दाखलो थशे। नेक्स्ट दाखला तरफ आगळ वधीए चालो। एमसीक्यू 11मो दाखलो छे एफ आर थी आर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स नी 4 घात एक एक है कि नहीं सीधी ज खबर पड़ी जाए एफ ऑफ वन राखो युग्म घात से 1 ની 4 ઘાત एटले वन माइनस वन राखो माइनस 1 ની 4 ઘात एटले वन आवशे वन अने माइनस वन बे सरखा नथी जुदा जुदा है छतां बेना प्रतिबिंब तो सरखा मळे छे एफ ऑफ वन नुं प्रतिबिंब मळे छे एफ ऑफ माइनस वन नुं प्रतिबिंब मळे छे एफ एक एक नथी अनेक एक है एवं कही शकाय। विस्तारगणनी बात करवानी आवे तो एक्स बिलोंग्स टू आर माटे एक्स नी 4 घात हमेशा 0 के 0 करता मोटू थाय तेथी विस्तारगण आव्यो 0 થી ઇન્ફિનિટી अने आर सहप्रदेश है बे सरखा थाय छे तो के ना अने तेथी कही शकाय के एफ व्याप्त विधेय नथी जोता ज खबर पड़ी जाए 4 घात है एटले आ तो केल्क्युलेशन आपणे करी गो तो ऑप्शन अनेक एक थाय अने व्याप्त नथी આવી રીતની વાત છે। एक एक नहीं अने व्याप्त नहीं एवं ऑप्शन लखी शकाय। एफ एक एक नहीं हालो चालशे अने व्याप्त पण नहीं चालशे। डी करो टीक। आ रीतना दाखला थी सके। खूब सहेला दाखला है एक एक व्याप्त में। बेजिक जो विस्तारगण की बात है बेजिक नियमों की मदद थी थी जाए है। तब ट्राय करजो अने तमारी गीते पण थी जाशे। नेक्स्ट विडियो लेक्चर नी अंदर पाछा आपणे मळशुं। आवजो। थैंक यू।